पूरा मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव सरदाजपुर के एक लड़की की शादी अपने ही गांव में कर दी गई थी। लड़के का नाम आमिर खान, पिता यमीन खान था। शादी के कुछ दिनों बाद लड़की को दिल्ली लेकर आया गया और दिल्ली में नशा करके लड़का बार बार मारता पीटता था। लड़की कुछ दिनों बाद प्रेग्नेंट होने के कारण उसकी पीड़ा सह नहीं पाई। करीब 4 महीने बाद उसने अपने गांव लेकर आया। आमिर खान का भाई यमीन खान और यमन के पिता इमरान खान, तीनों लोग उसको टॉर्चर करने लगे। टॉर्चर करने के बाद उसकी शादी में पैसा ना देने को लेकर गालियां भी देते थे और दहेज की मांग अक्सर किया करते थे। फिर एक दिन दोनों भाइयों ने उसके पिता ने उसकी लाठी डंडों से पिटाई की। एक दिन महिला के देवर इमरान खान अपनी भाभी को लेकर उसके मायके छोड़ाया। तब मायके वालों ने पूछा क्या हुआ तो गंदी गंदी गालियाँ देकर वहाँ से रखू चक्कर हो गया। फिर मायके वालों ने लड़की से पूछा तो लड़की ने अपने ससुराल वालों के कुछ गंभीर आरोप लगाए कि मुझे मारते थे, मुझे दहेज की मांग करते थे, अक्सर पैसे की मांग करते थे। फिर एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण सैदपुर CSC पर लाया गया। डिलीवरी करते समय 2 बेटियों के जन्म देने से पहले ने अपना दम तोड़ दिया। डॉक्टर का कहना है कि उनके पेट में काफ़ी गंभीर चोटें आने के कारण बच्चों की मृत्यु हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। नाम है आपका? शाहिद खान। कौन से गांव के रहने वाले हो? सरंजातपुर की। बताइए क्या समस्या हुई? समस्या क्या हुई, लड़की को बुलाया था, दिल्ली रह रही थी जी, पड़ी थी जी, बीच में आई लड़की घर पे जी, उसने तबीयत खराब हुई उसकी जी, अस्पताल में आई, डॉक्टर लाए जी, डॉक्टर बोले अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड कराने को आ रही थी वहाँ डिलीवरी हो गई। अब डॉक्टर बोला जी मार के बच्चे मार लगी। किसने मार? लड़की से पूछा मारा था तो अब बता रही, बोले हाँ मुझे मारा था, मैं बोला पहले को नहीं बताया तो बोले इस बार मेरा घर नहीं बता दिया, इस बार छुपाई। अच्छा, अब बता रही, बोले हाँ मारा था। किसने मारा था? उसके आदमी ने। क्या नाम आदमी का? आमिर खान। आमिर खान के पिता का क्या नाम है? यामीन खान। और किस किसने मारा? और वो उसका देवर का नाम है इमरान खान। तो अब क्या चाहते हो आप? अब चाहते क्या है, वो लोग आए देखा इसे क्या बात है क्या नहीं, अभी आए नहीं है वो लोग, क्या होने वाला है। अच्छा, अब उन्हें कहा तो वो कह रहे हैं हम तुम्हें फंसवाएंगे, लड़की को मारा था, मार पेली जाते सिर्फ पीपी के दारू पीपी के जी। बच्चा खत्म हो गया अंदर ही पेट में। अच्छा, बच्चा पहले से ही खत्म हो गया अंदर? पहले ही खत्म हो गया बच्चा तो मार पेली तो। जब डिलीवरी हुई थी तो बच्चे कैसे स्थिति में पाए गए? जरा देर बाद एक बच्चा मरो ही पैदा हुआ है, एक जरा थोड़ा सांस आ रहा है वो भी खत्म हो गया। दो बच्चे हुए थे। कौन लड़के थे लड़की? लड़की है दोनों। दोनों बच्चे लड़की थी? हाँ। तो अब उन लोगों से बात हुई थी आपकी? बात हुई थी, मैंने करी थी तो वो उल्टा बोल रहे, बोले हम सब फंसवाएंगे आगे, अब बोले तुमने ऐसा कैसे कर दिया, 6 महीने में डिलीवरी कर दी, सफाई करवाई मेरी औरत की क्या? डॉक्टर साहब क्या बोले? सफाई ने डॉक्टर जो बोलेगा वो होगा, डॉक्टर को मालूम है कैसे क्या हुआ है। डॉक्टर साहब ने क्या बताया आप? डॉक्टर बोले मान लगी है बच्चे को, मारा है इसको। अच्छा, किसने मारा है? तुम्हारे हस्बैंड ने। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली मिठाईपुर। और क्या दिक्कत हुई आपको? अच्छा, आपको मारा, आपके 2 बच्चे खत्म हो गए। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप जो हस्बैंड है वो कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली मिठाईपुर। क्या समस्या हो रही है? और डॉक्टर ने कोई आपको दिक्कत की क्या थी? पीपी के आपके हस्बैंड आपको मारते हैं? देवर का क्या नाम है आपका? इमरान। आपके पति का क्या नाम है? आमिर। के पिता का क्या नाम है? यामीन। सास का क्या नाम है? कब की घटना आई है ये? चांदरात वाले दिन की है, चांदरात को मारा है, बीच को लाया मेरे घर पे। अच्छा, आप प्रेग्नेंट थी? हाँ, प्रेग्नेंट थी। आपको जब मारा था आप कितने दिनों की प्रेग्नेंट थी? आप कितने महीनों की? छठा महीना चला उस टाइम आपको मारा था। अब क्या दिक्कत हुई? मारा था जन्म, अभी जन्म मारा था तो जन्म दर्द होता है मेरे, उधरी से था मेरे दर्द तो यहाँ पर आगे मेरे दर्द तो ज़्यादा खराब। आपकी हालत ख़राब हो गई? अच्छा, लाते मारी, किराया तक दे दूसरा मारा। जब आप हॉस्पिटल आए थे क्या हुआ फिर? इधर मैं आई थी ना यहाँ हॉस्पिटल तो डिलीवरी हुई थी आपकी। डिलीवरी होने के बाद क्या हुआ था?
बच्चे हुए थे आपके? हाँ, बच्चे हुए थे, खत्म दोनों बच्चे खत्म हो गए थे। लड़की थी या लड़का थे? लड़की थी, दोनों दोनों लड़की थी। बहुत बुरी हालत हो गई। क्या जानती हो आप? अच्छा अच्छा ठीक है। पुलिस में एप्लीकेशन दी आपने? अभी